थाना खतौली के अंतर्गत ग्राम टिटोड़ा के लड़के प्रवीण की शादी ग्राम पांचली में हुई थी। शादी को 3 साल हो गए। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति हर रोज मारपीट करता रहता है। आज मारपीट की हदें पूरी हो गई तो महिला ने थाना खतौली में जाकर गुहार लगाई। महिला ने बताया कि मेरा पति मुझे मारपीट कर दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करता रहता है। थाना खतौली की SI सुमन वर्मा ने मामले को सुनकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त महिला को उनके परिजनों की सुपुर्दगी में देकर मामले की जांच करने की बात कही। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर जांच शुरू। क्या नाम है आपका? जी अंजू। अंजू, क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे साथ दहेज मांगे है जी, मुझसे मेरी सास भी और मेरी नंद भी और जी मालिक भी जी। अच्छा, आदमी भी दहेज मांगता जी, गाड़ी मांगता जी। कितने साल हो गए शादी को? जी 3 साल। 3 साल से कोई मांग नहीं करी, अब मांग साल से तो आखिरी कार्ड मांगता जी, और जी साल भर से तो जब सर जी मेरे लड़का हुआ जब से तो जी आखिरी कार्ड रख के चूचक में गाड़ी मांगता। क्या नाम है आपका? जी अंजू। अंजू, हाँ जी। आज क्या हुआ? जी कल से निकाली जी घर से पीट के। अच्छा, घर से कल से निकाली हूँ जी। तो आपने अपने घर वालों को सूचना दी? हाँ जी सूचना दी। और जी मैं जी अपने घर वहाँ ताऊ की लड़की के रहती थी रह रही, और जी कल से कोई नहीं आया जी, ना जी मेरा आदमी आया ना मेरी सास आई जी, मेरी सास मेरे पास रहती है। अच्छा, और कोई नहीं आया जी कल से मुझे तक, और पीट के निकाल दी जी मानस ने और ससू ने जी दहेज मांगे। मेरा भी घटना ये है कि टिटोड़ा वाली मारपीट की, इसमें क्या किया? इसके पति को अभी तलाश कर रहे हैं जी, जाएगा तो कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। क्या कुछ दहेज वगैरह की मांग भी थी क्या? दहेज की मांग बता रही है लड़की की, हाँ गाड़ी की मांग कर रहा है। अभी फिलहाल आपने जांच के लिए अभी लड़का आया नहीं, तलाश कर रहे हैं उसकी, तो लड़की सुपुर्दगी में जा रही है अपने कैरी में, अपने घर जाना चाहती है तो अपने भाई के साथ अपने घर जा रही है। ठीक है।